दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, किसी के घर रोजाना जाने से इज्जत कम हो जाती है, मगर एक भगवान का घर, जिसको कि हम मंदिर कहते हैं, वहाँ रोज जाने से इज्जत बढ़ जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन फैमिली लाइफस्टाइल। तो गाइज, अभी आप सभी लोग देख रहे हो, मतलब शाम के 4:30 समथिंग 5 बजने वाला है मे बी, और मैं अभी नहा के आ रही हूँ। तो आप लोग सोचोगे कि किस लिए ये शाम को नहा रही है, सुबह से नहीं नहाई थी। तो गाइज, मैं बता दूँ कि मैंने सुबह से नहाई भी थी, और अभी मतलब ऐसे काम, मतलब बहुत सारे काम थे, पैकिंग वगैरह कर रहे थे, डस्टिंग वगैरह हो गए, तो बालों पे बहुत ज़्यादा मतलब धूल पड़ गया। मैं सुबह भी बाल धो के नहाई थी क्योंकि आज संडे था, बट फिर से शाम को भी मैं नहा ली। आप सभी लोग देख सकते हो, विंडो में बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो गए थे, मतलब सारे मैं धोई हूँ, और फुल विंडो है उस रूम में भी, इस रूम में भी फिर कपड़े निकालना है। और इधर मेरा लड़का है, सो के उठ चुका है। मैं पैकिंग किस लिए कर रही हूँ, आप सभी लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, तभी आप सभी लोग को पता चलेगा। और आप लोग सोच रहे होंगे दिवाली का साफ सफाई कर रही है, तो आप लोग बने रहिए, तभी पता चलेगा गाइज। तो चलिए, तो गाइज मैं सोच रही हूँ पैकिंग करने से पहले विंडो में जितने भी कपड़े हैं ना, मैं इसको हटा लूँ और फोल्ड करके रख लूँ, क्योंकि ये सारे कपड़े सूख गए और शाम भी हो चुका है। और अभी गाइज मेरे से मतलब गलती से एक मेरा पिलो कवर नीचे गिर गया, और नीचे भी विंडो है उसके ऊपर टंग गया। तो ऐसे बार बार होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो मैं पर्दे के रट से ही नीचे गिरा दी हूँ, और मैं अपने लड़के को भेज दी हूँ। तो फाइनली मेरा लड़का अभी लेके आ चुका है, और आप सभी लोग देख सकते हो, थर्ड फ्लोर से लेके आ गया। ले मामा को देख सकता था। हाँ, आंटी के घर। तो गाइज मैं अभी सारे कपड़ों को फोल्ड करूंगी, आप सभी लोग देख सकते हो, ये चेयर का कवर है, मैं इसको भी फोल्ड करके रख लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है बैग पैक करने की, और मेरा लड़का भी खुश है, आज फटाक से एप्पल भी कंप्लीट कर लेगा, इसको डांटना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा खुश है। तो गाइज यहाँ पर मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो चुके थे, और मैं पैक करने के लिए सारे कपड़ों को ले आई उस रूम में से, गेस्ट रूम में, और यहीं पे मैं बैग पैक करूँगी। गाइज मेरा बैग पैक करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, क्योंकि हमें कपड़े ना मतलब पैक करने में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होता है, और बट क्या करें, हम लोगों को तो ऐसे पैक करके आना ही जाना पड़ता है। आप सभी लोग को तो पता है, यही हमारी ज़िंदगी है, पैकिंग करना, इधर से उधर जाना, मतलब तो हम लोग पैक ही कर लेते हैं। और इसके कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, मैं अभी अपने बाबू के कपड़े पैक कर रही थी, क्योंकि इसका कपड़ा पिछले साल का भी यहीं पर रह गया था, जो कि छोटा हो गया था, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर किसको दूँ, और वैसे भी मैं छोटे बच्चे के कपड़े नहीं देती हूँ, तो मैं इसको सोच रही हूँ घर ले जा कर रख दूँ अच्छे से। अपना कपड़ा होता तो मैं किसी को दे भी देती, बट यहाँ पता नहीं चल रहा है किसको दूँ। तो बहुत ही मुश्किल से इसका एक बैग मतलब कपड़े में पैक कर दी, देख सकते हो आप, चैन भी नहीं इसका बंद हो रहा है, मतलब बहुत ही मुश्किल से इसका मतलब बाबू का कपड़ा एक ट्रॉली मैंने पैक कर दी। और इसके बाद मैं चलूँगी, अपना पैक करूँगी कपड़ा थोड़ा सा, और मेरा लड़का भी बहुत ही ज़्यादा खुश है, और आप देख सकते हो एप्पल भी कम्प्लीट कर लिया। और अभी मैं अपना सारा कपड़ा इसमें फोल्ड करके रखूँगी, और वो भी आके मतलब बैठा है, इसको भी बहुत मतलब लग रहा है कि हम दादाजी के घर जाएंगे। तो कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है गाइस, तो सच में सब्र का फल मीठा होता है। बहुत दिन से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली जाके आज हमारे दिन आ गई, हम लोग घर जा रहे हैं। और सारे कपड़े पैक करने के बाद पता चला कि मेरा मेकअप बॉक्स यहीं पर छूटा हुआ है, तो मैं उसको भी सोच रही हूँ घर ले जा कर रख दूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अभी मैं सारे कुछ पैक कर लूँ, और इधर मेरा लड़का बोल रहा है कि मेरे को गाड़ी पैक करना है, मम्मा ये गाड़ी दशहरे के दिन खरीदवाया था दुर्गा पूजे के दिन, तो मेरे पास जगह ही नहीं है कि इसका पैक करूं, तो मैं देखूंगी दूसरे बैग में पैक कर दूंगी। और अभी कभी बुक लेके आ रहा है कि बुक पैक कर दो मम्मा, मैं दादाजी के पास जाऊंगा तो दादाजी से पढ़ूंगा, तो अभी वो बुक लेके आ गया है, तो मैं उसको भी पैक। तो फाइनली गाइस देखिए आप, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही परेशानियों से मैंने सारा बैग को पैकिंग कर लिया है, और आप सभी लोग देख सकते हो ये सारे बैग है, और इनको पैक करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, आप सभी लोग तो देखे ही वीडियो में। और हम छुट्टी जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं एक महीने की, तो हम लोग जितना भी सामान होता है ना बाहर, उसको ड्रॉअर में सेट करके अच्छे से व्यवस्थित करके जाते हैं, स्थिर रख के जाते हैं, क्योंकि धूल वगैरह डस्ट वगैरह बहुत ही ज़्यादा पड़ते हैं। और हम लोग एक महीने के लिए जा रहे हैं, तो चूहे भी आते हैं, तो चूहे भी काटने लगते हैं इसलिए। और अभी रह गया है किचन का सामान सेट करना, मतलब पैक करना,
तो आप लोग किचन का सामान मैं ले नहीं जाऊंगी, बट उसको पैक करके हम लोग रख देते हैं ताकि जब हम लोग आए तो सारा सामान पे मतलब ज्यादा डस्ट वगैरह ना साफ करना पड़े। वैसे तो धोना ही पड़ता है बट कम थोड़ा साफ करना पड़े, और चूहे जो होते हैं ना वो शीशे के सेट वगैरह सारे तोड़ देते हैं उछल कूद के, क्योंकि वो रहता नहीं है, कोई एक महीने तक बंद रहता है इसकी वजह से। तो इसलिए हम लोग सारा सामान स्थिर करके जाते हैं, बस आते हैं साफ सफाई करके आराम से रहने लगते हैं। अपने घर के सारे फैमिली मेम्बर से आप सभी लोग को मिलाऊंगी, तो हमारा ब्लॉग डेली देखिएगा। मैं इसी से मैं थोड़ा बिजी चल रही थी, सारे सामान धो के रखना सेट करना, इसलिए मैं डेली डेली ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा, एंड जो लोग चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी करते चलिए। और मैं सब फैमिली मेम्बर से मिलाऊंगी, आप सभी लोग देख पाएंगे कि आर्मी की फैमिली कैसी होती है, कैसी मतलब क्या क्या चीज़ें होती है, सारे कुछ मैं दिखाऊंगी, मैं कहाँ से हूँ सब कुछ मैं बताऊंगी, आप सभी लोग को दिखाऊंगी। ज़्यादा लंबा ब्लॉग आप लोगों को भी नहीं पसंद आएगी, इसलिए मैं ब्लॉग को छोटा ही रखना चाहती हूँ। तो बस कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।